साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई, अभी की शुरुआत चल रही है 7 मई से लेकर 13 मई तक, यानी प्रथम चरण इसको बोल सकते हैं। इसके बाद में सेकंड चरण स्टार्ट होगा 15 मई से। जी हाँ साथियों, 15 मई से स्टार्ट होगा, पूरी डिटेल से मैं बताऊंगा। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो भाई हम बात करेंगे आज द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण में 15 मई से स्टार्ट हो रहा है गवर्नमेंट का दूसरा चरण। इसमें 7 से 8 या 10 कंट्रियाँ इसमें शामिल की गई हैं। जो लिस्ट मेरे पास है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसकी क्या स्थिति है, कैसे क्या है। तो साथियों आपको पता ही होगा, प्रथम चरण में गल्फ कंट्रीज में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जिसमें 15,000 के करीब बंदे रिकवर किए जाएंगे। बाकी मलेशिया भी है, यूरोप कंट्रियों में भी कुछ कंट्रियाँ शामिल की गई हैं, जिसमें 64 फ्लाइटों का संचालन किया गया है। अभी की हम बात करेंगे द्वितीय चरण 15 मई के बाद गवर्नमेंट के क्या स्टेप है उनसे रिलेटेड बात करेंगे, कौन कौन सी कंट्रियां हैं, कितने रेस्ट्रिक्शन हैं, तो मैं पूरी डिटेल से आपको बता देता हूं। 15 मई से पहली बता दूं, रूस में जितने भी अपने बंदे हैं उनको रिकवर किया जाएगा। जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यानी ये 7 कंट्री हैं। यहाँ से लगभग 68,000 यानी 68,000 लोगों ने यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। जी हाँ साथियों, 68,000 लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो गवर्नमेंट की यहाँ पर पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ से रिकवर किया जाए। और सबसे मज़े की बात यह है कि साथियों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं इंडिया के, पढ़ने वाले बच्चे जिनको आप बोल सकते हैं, जो कमाने के लिए नहीं गए थे, सिर्फ वो एजुकेशन से रिलेटेड गए थे। तो इससे रिलेटेड मैं बता देता हूं आपको भाई, 15 मई से यहां पे कैसे क्या होने वाला है। साथियों यहां पे 22,700 विद्यार्थी हैं जो एजुकेशन के लिए इन कंट्रियों में गए थे, जो लॉकडाउन होने की वजह से फंस गए, उनकी स्थिति खराब है, उन्होंने आवेदन किया है। 22,470 ने जो आवेदन, जो 68,000 आवेदन हुए हैं उनमें से ये लगभग 23,000 के करीब विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले बंदे, जो कुल संख्या का 34% विद्यार्थी हैं। आगे हम बात करते हैं साथियों, वर्कर 30% इनमें वर्कर हैं। 15,815 वर्कर इसमें हैं जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है इंडिया आने के लिए। आगे हम बात करते हैं विजिटर्स या वीज़ा एक्सपायरी, जिनके पास वर्क परमिट वीज़ा या दूसरे तरीके के वीज़ा हैं वो ख़त्म हो गए हैं, उनकी संख्या है 9,250। जी हाँ साथियों, आगे हम बात करते हैं गंभीर बीमारियों वाले बंदे हैं 5531, यानी 5531 बंदे गंभीर बीमारियों वाले हैं, जो वहाँ पे बीमारियाँ हो चुकी हैं उनको, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म हुआ था, जो सबमिट करी थी, उसके आंकड़े के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। विजिटर्स जो घूमने के लिए गए थे लगभग 4,147 बंदे थे, वो घूमने के लिए वहाँ पे गए थे, लॉकडाउन होने की वजह से वहाँ पे फंस गए। आगे बात करेंगे साथियों, गर्भवती महिलाएं। जी हाँ साथियों, 3,041 गर्भवती महिलाएं हैं जिनको इंडिया लाना सख्त ज़रूरी है। आगे बात करेंगे लोगों के परिवारों, 112 लोगों ने ये बोला कि हमारे घर में परिवार में मौत हो गई तो हमें इंडिया आना है, यानी ये मान के चलिए 68,000 लोगों में से ये इन्होंने रीज़न दिए हैं। मैं ये बता रहा हूँ, इतने इतने बंदे हैं जो इंडिया आना चाहते हैं। तो 15 तारीख से यहाँ पे रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी 15 मई से, और आगे आने वाले बड़े रिकवरी जल्दी यहाँ पे होगी, ये नहीं होगा धीरे धीरे होगा, लगभग रिकवर कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे साथियों, आगे जो वीडियो मैं डालूंगा नेक्स्ट टाइम पे, उसमें कौन सी कंट्री से कितने बंदे आएंगे, कहाँ कहाँ उतरेंगे, क्या क्या फ्लाइटें हैं, वो डिटेल भी मैं बताऊंगा कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। और पूरी डिटेल आपको पता है साथियों, गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी अपने स्तर पे कर ली है। इसमें खास तौर से ये सुविधाएं दी गई है कि भाई जो आदमी जिस स्टेट का है उसके आसपास उसको रिकवर किया जाए, क्वारंटाइन किया जाए, ताकि वो घर पे तक आराम से पहुँच सके बिना किसी परेशानी के। 14 दिन क्वारंटाइन होगा, क्वारंटाइन का खर्चा आपका लगेगा, ये बात आपको पता ही है भाई, टिकट आपका लगेगा, जो गवर्नमेंट ने पहले घोषणा कर दी, आपने जो ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन किए थे आपको सबको पता ही है। तो यहाँ से जल्द ही स्टार्ट हो रहा है 15 मई से द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण की हम आगे तीन टॉपिक पे वीडियो डालूंगा, सुबह 5 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को फिर 7 बजे। ये आप तीनों वीडियो ज़रूर देखना, ताकि आपको पता लगे आपका दोस्त रिश्तेदार, आप यहाँ खुद रहते हैं तो उसमें कितने बंदे आने वाले हैं, कहाँ कहाँ कौन सी एयरपोर्ट पे उतरेंगे, कितने कितने बंदे कौन सी स्टेट के आने वाले हैं। तो नेक्स्ट टाइम पे हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।